भारत के वीर सेनानियों ने भारत का स्वतंत्र करने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था और आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है और उनके नाम लेकर गौरव से सेना का दर्ज दिया जाता है। आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पर सदैव चलने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नाम जो भारतीय इतिहास में बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है वह विनायक दामोदर सावरकर का है, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में आज भी देखा जाते हैं। आइए आज उनके जीवन के बहुत करीब से जानते हैं। वीर सावरकर एक ऐसा नाम है जो एक राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य अपने समर्थकों को समाधान देते रहे। वे दिवालियों से तो वकील थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से वे एक जागरूक लेखक के रूप में भी उभर कर आए। उन्होंने कई साड़ी मॉडलों और नाटकों को अपने शब्दों को व्यक्त किया। उनके लेखन में हमेशा ही लोगों को सामाजिक और राजनीतिक एकता के बारे में समझाते रहते थे। 28 मई 1883 को एक साधारण में हिंदू ब्राह्मण परिवार में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसका नाम विनायक दामोदर सावरकर रखा गया। बचपन से ही देशभक्ति भाव मन सावरकर में अपने भाई बहन का नाम गणेश मीना भाई और नारायण के साथ अपना बचपन बताया। उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम तब 12 वर्ष की उम्र में ही तोड़ दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को शहर की भीड़ में भाग लिया था जो कि पूरे इलाके में था। आखिरकार मंच रखा था। उनका वह साहस वीरता उनके लिए भी बहुत प्रशंसा हुई और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया। उसी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया। उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश ने अहम भूमिका निभाई। वे एक युवा खिलाड़ी के रूप में धीरे धीरे सबके सामने आए और धीरे धीरे उन्होंने युवा समूहों का आयोजन किया, जिसके बाद मित्र मेल का नाम दिया गया। वे क्रांतिकारी क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जिसमें भाग लेने के लिए उन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया। क्योंकि उनके जीवन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी चंद्र पाल जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता बहुत बड़े पैमाने पर प्रेरित थे। क्रांतिकारी क्रांति जारी रही। उन्होंने फौजियुस कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी कर ली। देश के लिए दिए गए दिन उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे अंकों से पास कॉलेज की पढ़ाई प्राप्त की। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव मिला। उनके आगे की वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें सोशल कृष्णा वर्मा में उनकी मदद से आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा दिया। इंग्लैंड में व्यवसायी सोने ने मन लगाकर पढ़ाई तो की, लेकिन साथ ही लंदन में एक छात्र निवास में रहते थे। उन्होंने वहां रहने वाले सभी भारतीय छात्रों को एक प्रेरणा दी और फ्री इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन का निर्माण कराया। वीर सावरकर ने उन छात्रों को भी अंग्रेजी सरकार से आज़ादी की प्रेरणा दी थी। 1857 के विद्रोह के गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने उस युद्ध की एक किताब पर गहनता से विचार किया। उस किताब का नाम द पॉलिटिक्स ऑफ द वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस रखा गया था, जिसे देखने के बाद अंग्रेजी सरकार के बीच दोस्ती मच गई, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी बिहार में यह किताब बेहद लोकप्रिय हो गई। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों के बीच इस किताब को शेयर किया। भारत में वापस ज्ञान सावरकर ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर इंडियन का काउंसिल एक्ट 1909 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। ब्रिटिश पुलिस ने विनायक सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अपराध की साजिश रचने के जुलम में इन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मामला जारी किया गया है। सावरकर पेरिस चले गए। हालांकि बाद में सन 1910 में सावरकर को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया। उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें मुंबई भेजा गया और वहाँ उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कालापानी की सजा के लिए सेल्यूर जेल में बंद कर दिया गया था। उस सजा के दौरान लगातार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जब वीर सावरकर को कालापानी की सजा हुई थी, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गणतंत्रों से अलग हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति एकदम वफादार रहेंगे। और जब वे अपनी सजा पूरी करने जेल से बाहर निकले, तब उन्होंने अपने वंदे नहीं किए। वे और किसी भी क्रांतिकारी घटना में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस माफीनामा का सच
क्या है इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार ने ऊपर हार यह बार लागू किया गया। सिद्धार्थ के है वीर सावरकर भारत रत्न के काबिल नहीं है। इस मुद्दे पर कई बार काफ़ी विवाद भी हुआ है। वह रहने वाले जेलों में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सरकार से मुक्ति हेतु जेल के अंदर एक खजाना पुस्तकालय की स्थापना की। सरकार द्वारा उनका आरोपण मान लिया गया और जेल में ही पुस्तकालय बना गया। जेल में भी उन्होंने अपने अंतकियों को पूरे देश में फैला दिया था, क्योंकि जेल में आतंकवादी कहलाते थे एक हिंदू जो कि पिछड़ा हुआ नाम है लिखा था, और उन्हें जेल के बाहर किसी के हाथ बंटवा दिया गया था, जिसमें धीरे धीरे पूरे देश में प्रकाशित हुए चले गए और सबके बीच फैला हो गया। सरकार के शिक्षकों ने उनके बहुत ही सहयोग और अहिंसा से कई विचारधाराओं को अपनी प्रेरणा देकर प्रेरित किया है। भारतवर्ष के एक ऐसे देशभक्त बने जो सभी धर्मों एक सम्मान माने गए। वे खुद को हिंदू कहलवाने में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने हमेशा अपनी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बनाई जिसे वे हिंदू के रूप में देखते थे। वे सदैव हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के एकीकरण के लिए उपदेश देते हैं। मुस्लिम और ईसाई लोग उनके खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने कैथोलिक और ईसाइयों की विचारधारा का कभी भी समर्थन नहीं किया। उन्हें भारत में मिसफिट के नाम से भी जाना गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास। वीर सावरकर का 6 जनवरी 1924 को कालापानी की सजा से रिहा हो गया, जिसके बाद उन्होंने भारत में रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार इस सभा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करना था। सन 1937 में विनायक सावरकर की प्रतिभावान छवि को देखकर उन्हें हिंदू सभा के सदस्यों द्वारा हिंदू सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसी दौरान मोहम्मद अली जीगा ने कांग्रेस के शासन को हिंदू राज के रूप में घोषित कर दिया। पहले से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े चल रहे थे। उनके इस कदम से उनके बीच चल रहे तनाव और बढ़ दिया गया। उनकी कोशिश हमेशा बनी रही कि वह एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करे। विनायक सरोकार ने इस प्रस्ताव पर कई ध्यान दिया और इसके लिए उनके साथ सभी भारतीय राष्ट्रवादी भी शामिल हुए। जहां वीर सावरकर की प्राथमिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वे भारत देश को हिंदुत्व और ले जाना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को घोर आलोचक थे। उन्होंने गांधी जी की ओर से मुख्य विद्रोह का विरोध किया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावरकर ने कभी भी यह नहीं कहा था कि भारत को दो राष्ट्रों में बांट दिया जाए, इसलिए वे विभाजन के लिए कभी भी सहयोग नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि एक देश में दो राज्यों के लिए सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। एक राशि में दो देशों के बीच बात कर सके उसके टुकड़े कर दिए जाए। गांधी जी की किसी ने भी इस बात पर सहमति नहीं जताई थी कि उन्होंने गांधीवादी आंदोलन के दौरान गांधी जी की नीति के खिलाफ बात की थी। उनके द्वारा लिखे गए कई लेखकों में ऐसा भी कहा गया है कि गांधी जी ने पाखंडी कहा था, और उनके साथ ही वे गांधी जी के बारे में कहा गए थे कि वह एक अपरिग बने मुखिया है, छोटी सोच रखते है, देश का सर्वनाश कर दिया। वीर सावरकर ने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया था। इसके बावजूद भी वे हिंदू धर्म को पूरे दिल से उखाड़ फेंके थे और लोगों ने अपनी और खेती के लिए भी कुछ किया, क्योंकि राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में वह स्वयं को हिंदू मानते थे, और यदि कोई हिंदू बुलाता था तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था। वे कभी भी हिंदुत्व को धर्म के रूप में नहीं मानते थे, अपने पहचान के रूप में हिंदुत्व को देखते हुए उन्होंने हजारों रूढ़िवादी मतों को खारिज कर दिया था जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन व्यक्ति के जीवन में उन मतों का कोई आधार नहीं था। अपने जीवन का राजनीतिक रूप भी प्रभावशाली है। राजनीतिक रूप से मूल रूप से मानवतावाद, तकावाद, स्वाभाविकता, प्रत्यक्षवादा, उपयोगितावाद और यथावत का अपने जीवन में एक मुख्य मिश्रण है। देशभक्ति के साथ साथ भारत की कुछ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ दोनों ने अपनी आवाज़ उठाई, जैसे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता जो उनके समय में बहुत अदसरवादी मानी जाती थी।
उनका कहना था कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा अच्छाई और प्रेरणाई थी जिस समय उन्होंने जेल में सजा के दौरान काला पानी की सजा दी थी। काला पानी की सजा के दौरान जेल में रहने के दौरान उन्होंने काले पानी की एक किताब भी लिखी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के संघर्षपूर्ण जीवन का संपूर्ण वर्णन है। वीर सावरकर ने अपने जीवन में मृत्यु की इच्छा ली थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ही बॉस से कहा था कि वे अपनी मृत्यु तक स्थिर रहे, अन्ना एक दान भी मुंह में ना हो। अपने अंतकाल में दिए गए उपदेश को लेकर उन्होंने यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को अनुभवियों को पूर्ण मात्रा में प्राप्त करना चाहिए कि वह अपना जीवन कैसे समाप्त करना चाहता हो, किस प्रकार अपने जीवन का वहन करना चाहता है। इस बात की पूरी तरह से उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने अपना प्रार्थना के अनुसार ही अपनी मृत्यु के दौरान पहली बार एक लेख लिखा था जिसका नाम था यह आत्मा था आत्महत्या नहीं आत्मापण है रखा गया था। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने यह घोषणा की थी कि आज से वह आसन और भोजन करने से बिल्कुल सही जुड़ेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वह अन्न का एक दाना मुंह में नहीं रहेंगे। इस प्रयास के बाद वे लगातार अपने पद पर बने रहे और अंततः 26 फरवरी 1966 को अपने मुंबई निवास में वे अंतिम सांस ली और वे दुनिया को अलविदा कह गए। सावरकर के घर और उनसे जुड़ी सभी मूर्तियों को अब सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संरक्षित किया गया है। हर साल एक क्रांतिकारी एक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनके जन्मदिन के दिन याद किया जाता है, यानी कि 28 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। वीर सावरकर के जीवन पर सन 1996 में पहली फिल्म बनी थी जिसमें अम्बू कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वह मलयालम और तमिल 2 सागर में रिलीज हुई थी। उसका नाम काला पानी था। 2001 में वीर सावरकर के जीवन पर वीर सावरकर नामक फिल्म का निर्माण शुरू हुआ जो बाद में रिलीज भी हुई और बेहद पसंद भी की गई। वीर सावरकर जो देश के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति के साथ साथ संस्कृति को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया, यहाँ तक कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं ही आत्मापण करके खुद को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और अपना जीवन अत्यंत प्रेरणादायी जीवन के रूप में हमें सदैव प्रेरणा लेते रहना चाहिए।